हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग आगे के जो टॉपिक हैं उन पर हम लोग बात करने हैं। तो उसकी ओर बात करने के लिए हमें सबसे पहले तो इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उनका किस तरह से उनको अध्ययन करना है, किस तरह से उनके स्टडी करना है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी हम लोग इंटर की अगर बात करें तो अभी हम लोग अब असर्टिव से इंट्रोगेटिव की ओर चल रहे थे। असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो टॉपिक थे उनका हम अध्ययन कर रहे थे। तो इसी लय में आज हम लोग आगे चलेंगे और कैसे उनको करना है, कैसे सॉल्व करना है आज हम लोग वो सीखेंगे कि आखिरकार जैसे कुछ असर्टिव सेंटेंस हैं तो उसे किस तरह से इंट्रोगेटिव बनाया जा सकता है। तो उसी तरह से आज हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे कि एक सेंटेंस आ गया, सेंटेंस जैसे आ गया The sun rises in the east. The sun rises in the east. अब हमें इस सेंटेंस को बनाना है इंट्रोगेटिव। तो कैसे बनाएंगे? मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने हैं, जैसे मान लीजिए, तो सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अर्थ में परिवर्तन होना चाहिए हमारे। तो कैसे ना हो इस, देखिए मैंने पहले बताया था सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। जो अफर्मेटिव हो उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं और जो निगेटिव है उसे केवल इंट्रोगेटिव। ये तो आपने सीख लिया होगा पहले। तो ये बताइए कि ये सिर्फ सेंटेंस आप देख रहे हैं कैसा है, ये असर्टिव अफर्मेटिव है कि असर्टिव निगेटिव है? साफ साफ देख सकते हैं सेंटेंस है असर्टिव अफर्मेटिव है। सेंटेंस असर्टिव अफर्मेटिव है। सेंटेंस को यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो फैसले के पहले टेंस से देख रहे हैं, वर्ब में एस या एस का प्रयोग किया गया, जिसमें वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग होता है उसे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डस। तो यहाँ पर आप डस का यूज करेंगे, डस द सन राइज, ऐसा हट जाएगा कि डस का यूज कर दिया है। और एक चीज इसमें और छूट गई है, मैंने बोला था इंट्रोगेटिव निगेटिव बना तो वर्ब के पहले आप इंट्रोगेटिव है, वर्ब के पहले नॉट का यूज होता है, नॉट राइड इन द ईस्ट क्वेश्चन, डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट क्वेश्चन मार्क। आप देख रहे हैं सेंटेंस असर्टिव अफर्मेटिव था, उसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने उसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाया है, नॉट राइज का यूज कर दिया। अगर होता तो हमें यूज नहीं करना था। आगे देखिए जैसे कि लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो इसको आप ये देख रहे हैं, ये आप सेंटेंस देख रहे हैं, ये सेंटेंस असर्टिव अफर्मेटिव, उसे इंटरप्रेटिव बनाने के लिए इस बाहर आएगा इज लव नॉट, क्योंकि मैंने बोला था इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं उससे। तो इज लव नॉट ब्लाइंड, क्या प्यार अंधा नहीं होता है? प्यार अंधा होता है, अर्थ नहीं बदला। देखिए अर्थ सेम है, चाहे इसका हो या इसका हो। इसी तरह से आगे की ओर हम चलेंगे, इसी तरह से हम आगे भी सेंटेंस पढ़ेंगे और आगे की ओर तो किस तरह से सेंटेंस बनाने हैं आप देखें।
जैसे कि आ गया कि सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। आप देख रहे हैं ये सेंटेंस है असर्टिव निगेटिव। आप साफ साफ देख रहे हैं ये सेंटेंस असर्टिव निगेटिव है। और यदि इस सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे अच्छी बात ये है कि ऐसे वाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले दिया गया होगा। और यदि इसे आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो दस निकाल के जो भी वर्ब यूज की गई है उसे आप निकाल के बाहर कर दें। डज द सन नॉट तो यूज नहीं होगा, छोड़ दीजिए। राइज इन द वेस्ट और क्वेश्चन, इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट किया जा सकता है। और आगे की ओर देखें तो किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर किसी भी सेंटेंस में मैं बता दूँ कि ये यदि आपको एवरी आ जाता है, जैसे कि एवरी वन या एवरीबडी, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, हु का प्रयोग करना है। इनके स्थान पर क्या प्रयोग करना है, हु का प्रयोग। इसके साथ साथ कहीं पर अगर नो वन आ जाता है या नन का प्रयोग हो जाता है या नो बडी का प्रयोग हो जाता है तो वहां पर भी आपको हु का प्रयोग करना है, ठीक है। तो और एग्जांपल की ओर चलेंगे। एग्जांपल कैसे देखिए किस तरह से इनको बनाना है। अब जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस आया हुआ है आपको एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड, इस टेंस को क्या करना है आपको, इसे आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। अब इसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, मैंने पहले बताया अगर आपको एवरीबडी यूज़ किया गया हो तो उसके स्थान पर आपको हु का प्रयोग करना है। तो हम क्या करेंगे इसके जगह पर हु का यूज करेंगे। और इसके पहले मैंने बताया था कि यदि आप सेंटेंस असर्टिव अफर्मेटिव हो तो उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं। तो एवरीबडी की जगह हु आ गया, अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव तो है नहीं, निगेटिव होता नॉट होता, निगेटिव होता तो नॉट होता, नॉट तो है नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ब में एस सी आई एस, जिस भी टेंस में वर्ब में एस सी आई एस होता है उसे निगेटिव बनाने के लिए हमें डज नॉट का यूज़ करना होता है, जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डज नॉट का यूज करेंगे निगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव। देखा वर्ब में एस सी आई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, तो वर्ब में एस सी आई एस है तो डज नॉट का यूज़ किया। डज यूज़ करने के बाद आपको वर्ब की क्यों फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, एस सी आई एस का प्रयोग नहीं किया जाता। लव हिज मदरलैंड, इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, आसानी से सेंटेंस को बनाया जा सकता है। और इसी तरह आगे और बढ़े अगर तो नोबडी वाले तो बहुत ही सिंपल है, अगर कहीं बात नोबडी, ठीक है ना, या नोबडी आ जाए या नो वन भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है नो वन, ठीक है ना, नो वन
नो आंसर वेट का मतलब किसी को भी गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी गरीबों से घृणा नहीं करना। नो वन शुड हेट द पुअर। अब इसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं है, इसे दो तरह से बना सकते हैं। एक तरीका ये है कि बहुत सिंपल तरीके से, दो तरीके से क्या सिंपल तरीके समझ लीजिए कि अगर वी नो टू नो बडी नो वन या नन का यूज किया गया, नो बडी नो वन या नन का यूज किया गया है तो आप उसमें क्या करेंगे, केवल हु का यूज करेंगे और सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो ये सेंटेंस असर्टिव नेगेटिव है और इसे केवल इंट्रोगेटिव बनाना है, बस केवल इनके स्थान पर हु का यूज करना है और इसके बाद जो कुछ भी दिया गया है उसे आप वैसा ही नोट कर सकते हैं और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क हु शुड हेड द पुअर्स क्वेश्चन मार्क, इस तरह से आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।